नमस्कार दोस्तों, दिनेश मिगलानी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम टाइम स्पीड डिस्टेंस का सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मिक्स लैंग्वेज में ये मैंने समझाया है ताकि जो स्टूडेंट इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम दोनों के मिक्सअप हैं वो इजीली इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकें। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, सो दैट इट कैन रीच टू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेट अस स्टार्ट विद द सेशन सर्कुलर मोशन। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो सर्कुलर जो रेस होती है ये दूसरी रेसेस से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, देखिए जो लीनियर रेस है वो खत्म हो जाएगी। सर्कुलर रेस में क्या है कि प्लेयर जो है वो रन करता रहता है जब तक कि राउंड फिक्स नहीं होते। तो इसमें क्वेश्चन जो होते हैं दो या तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं, हम ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास में एक रेस पार्टिसिपेट करने के लिए दो प्लेयर्स हैं ए और बी, और हमें ये गिवन है ए 15 सेकंड के अंदर एक राउंड पूरा कर लेता है और ऐसे ही बी 20 सेकंड लेता है एक राउंड पूरा करने में। ठीक है, और दोनों जो हैं वो एक सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा पहला इंफॉर्मेशन क्या है, दोनों जो हैं सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि कितने समय के बाद में, आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम दे मीट फॉर फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट। मीट फॉर फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट मतलब दोनों चीजें आपको दी हैं कि उन्हें पहली बार भी मिलना है और इसके साथ साथ उन्हें स्टार्टिंग पॉइंट पे भी मीट करना है, मतलब जहां से उन्होंने भागना स्टार्ट किया वहीं पर उनको मीट करना है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके पास में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है जहां आपको फर्स्ट टाइम और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का अगर आंसर करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम जो भी पर्संस उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे कि मान लो ए हर 15 सेकंड पर इस पॉइंट पर पहुंचेगा, तो पहली बार 15 सेकंड में, फिर 30 सेकंड में, फिर 45 सेकंड में और फिर 60 सेकंड में ऐसे पहुंचेगा। और अगर हम बी की बात करें तो बी भी पहले 20 सेकंड में, फिर 40 सेकंड में, फिर 60 सेकंड में। इसका मतलब हमें ऐसा कॉमन टाइम चाहिए जिसमें दोनों उसी जगह पर पहुंचे। तो हम क्या करते हैं, कॉमन टाइम निकालने के लिए हम दोनों का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में 15 और 20 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 60 सेकंड होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अगर दोनों को मीट करना है उसी पॉइंट पे पहली बार, तो आंसर क्या रहेगा, 60 सेकंड। अब ऐसे क्वेश्चन में दो की जगह पे मान लीजिए अगर थ्री पर्संस हो जाएं, मान लो ए है, ए एक राउंड पूरा करने में 20 सेकंड लेता है, बी लेता है 25 सेकंड्स और सी लेता है 40 सेकंड्स। ठीक है, तीनों ने सेम पॉइंट से भागना शुरू किया और क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कितने टाइम के बाद में दोबारा वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मीट करेंगे। तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एक चीज यहां ध्यान रख सकते हैं, उनकी डायरेक्शन भी चाहे किसी साइड हो, वो सेम डायरेक्शन में चले या वो अपोजिट डायरेक्शन में चले, दोनों केसेस में आपका जो आंसर होगा वो एक जैसा होगा। तो आप 20, 25 और 40 तीनों का एलसीएम ले लेंगे और तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 200 सेकंड्स। तो 200 सेकंड हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा कि वो तीनों जो हैं उसी पॉइंट पे पहली बार 200 सेकंड्स के बाद में मीट करेंगे, राइट। इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है जब हमें फर्स्ट टाइम मीट करना है, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट की कंडीशन नहीं दे रखी होती, हमें केवल ये दिया हुआ है
कि उन पर्सन को पहली बार मीट करना है तो कितने टाइम के बाद में मीट करेंगे, दैट्स अवर स्टेटमेंट। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को करने का जो अप्रोच है वो क्या रहेगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए मान लो हमारे पास में टू पर्सन्स हैं, ए और बी। ए का टाइम टेकन गिवन है 15 सेकंड में, एक राउंड पूरा करता है, और ऐसे ही बी का गिवन है 20 सेकंड में, एक राउंड पूरा करता है। क्वेश्चन आपको ये बोला है, दो केसेस इसमें बनेंगे। पहला केस हमने लिया, अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब दोनों जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उस केस में कितने टाइम के बाद में वो पहली बार मीट करेंगे, राइट। तो देखो, इसको करने की दो अप्रोचेज हैं। एक हम पहले बेसिक अप्रोच से करते हैं। मान लो लेट अस से जो ट्रैक का लेंथ है वो कितना है, एक्स है। ठीक है, अब अगर ट्रैक का लेंथ एक्स है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे यहां पर, कि ए 15 सेकंड लेता है तो इसका मतलब ए का स्पीड हो गया x/15, और बी अगर 20 सेकंड लेगा तो बी का स्पीड कितना हो जाएगा, x/20। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों को मीट करने के लिए टोटल लेंथ जो ट्रेवल करना पड़ेगा वो ट्रेवल करना पड़ेगा एक्स, और क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड में हम दोनों को ऐड कर देंगे, x/15 + x/20। एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/15 + 1/20, एलसीएम 60 आ जाएगा जो ऊपर हो जाएगा, और ये 4 + 3, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 60/7 सेकंड्स के बाद में वो पहली बार मीट करेंगे अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो देखिए बेसिक अप्रोच तो ये है। हम इसमें एक शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं। मान लो ए राउंड पूरा करने में कितना टाइम लेता है, 1 सेकंड, और ऐसे ही बी जो है राउंड पूरा करने में कितना टाइम लेता है, 20 सेकंड, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और आपको ये बताना है कि पहली बार कितने टाइम के बाद में वो मीट करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। आपने क्या करना है, ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, जिसमें हम ये करेंगे भी ए का वैल्यू कितना है 15 और बी का वैल्यू कितना है 20। 15 × 20 डिवाइडेड बाय 15 + 20, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 15 × 20 कितना हुआ, 300, और 15 + 20 कितना हुआ, 35। अब 5 सॉल्व हो जाएगा तो 60/7। सेम हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि वो 60/7 सेकंड्स के बाद में पहली बार मीट करेंगे, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में अगर उनकी डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, सॉरी डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम। अभी हमने जो केस किया वो हमने पढ़ा अपोजिट डायरेक्शन का, और इसी क्वेश्चन में अगर उनकी डायरेक्शन सेम हो जाए तो हमारा क्वेश्चन किस तरह से होगा, क्या हम इसको करने के लिए अप्रोच अप्लाई करेंगे। इस केस में आपको क्या करना रहेगा, सेम डायरेक्शन के अंदर अगर हम एज ए कॉन्सेप्ट चलें, तो एज ए कॉन्सेप्ट जो रहेगा उसमें हमें ये करना रहेगा कि मान लीजिए कि ए का टाइम टेकन जो है इसमें कितना दे रखा है हमें, 15 सेकंड्स, और वहीं अगर हम बी की बात करें तो बी का टाइम जो गिवन है वो हमें गिवन है 20 सेकंड्स। तो आपने टोटल जो ट्रैक का लेंथ है उसको आपने एक्स मान लिया, तो ए का स्पीड इसके अकॉर्डिंगली बना x/15 और बी का स्पीड बना x/20। ठीक है, अब देखो टोटल लेंथ एक्स है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड में हमें माइनस करना पड़ेगा, x/15 - x/20, तो एलसीएम 60 हो जाएगा, 60 ऊपर चला गया, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 - 3, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 60। या आप इसे फॉर्मूला फॉर्मेट में बना सकते हैं,
मान लो ए का टाइम टेकन ए है और बी का टाइम टेकन कितना है, बी। ठीक है, तो इस केस में जब आप आंसर निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है ए बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, मतलब कि आप इसे कह सकते हैं 15 × 20/5, 5 4 पे जाएगा और 15 × 4 कितना हो जाएगा, 60। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब हमारी प्रॉब्लम जो आती है इन क्वेश्चंस के अंदर, वो थर्ड टाइप की प्रॉब्लम आती है कि अगर दो से ज्यादा पर्सन हो जाए, मान लो ट्रैक में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे पास में 3 लोग हैं, ए बी सी। ए का आपको कह दिया कि राउंड पूरा करने के लिए 15 सेकेंड लेता है और बी राउंड पूरा करने में लेता है 20 सेकेंड और सी राउंड पूरा करने में लेता है 40 सेकेंड्स। और हमें ये एक बात और कह दी कि ए और बी की डायरेक्शन सेम है और सी का डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप ये बताइए कि अगर इनको पहली बार मीट करना है तो कितने टाइम के बाद में मीट करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो, अगर तो इनको फर्स्ट टाइम और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों कंडीशन एक साथ गिवन होती, उस केस में हमारे क्वेश्चन का आंसर जो हो जाता वो ओनली एलसीएम हो जाता, एलसीएम ऑफ टाइम टेकन। बट यहां प्रॉब्लम ये है कि हमें फर्स्ट टाइम निकालना है, तो ऐसे किसी भी स्टेटमेंट का आंसर करने के लिए हमारा जो प्रोसीजर रहता है वो क्या रहता है। मान लो मैंने ए को फिक्स कर लिया, तो पहले मैं निकालूंगा ए बी कितने टाइम के बाद पहली बार मीट करेंगे, और फिर मैं निकालूंगा ए सी फर्स्ट टाइम कितने टाइम के बाद में मीट करते हैं। ठीक है, और जो भी ये टाइम टेकन आएगा मैं इसका एलसीएम फाइंड कर दूंगा, ये हमारे स्टेटमेंट का आंसर होगा। ठीक है, तो आप देखिए ए बी फर्स्ट टाइम कितने टाइम के बाद में मीट करेंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा है, अगर सेम डायरेक्शन हो तो आप ए इंटू बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी कर देंगे, तो यहां से कितना वैल्यू हो गया, 60। वहीं अगर मैं ए सी निकालना चाहूं तो 15 × 40 और दोनों को ऐड कर देंगे 55, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 120/11। ठीक है, अब आपको ये जो दोनों टाइम टेकन आ गए इसका मुझे एलसीएम निकाल लेना है। अब आप देखिए 60 और 120 का एलसीएम होता है, देखो अगर इस तरह से फ्रैक्शंस बन जाएं, तो फ्रैक्शंस के केस में एलसीएम कैसे निकाला जाता है, फ्रैक्शंस के केस में एलसीएम होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डेनोमिनेटर। ठीक है, तो आप देखिए 60 और 120 का एलसीएम हो गया 120 और 1 और 11 का एचसीएफ हो गया 1, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 120। ये हमारे स्टेटमेंट का आंसर होगा। तो इस तरह से हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि हाउ मैनी डिफरेंट पॉइंट्स, हाउ मैनी डिफरेंट पॉइंट्स टू पर्संस मीट ऑन द ट्रैक, टू पर्संस मीट ऑन द ट्रैक। ठीक है, तो दो केसेस होते हैं, एक तो जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, और सेकंड होता है जब उनके चलने की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। मान लो दो पर्संस ए और बी हैं और वो एक सर्कुलर रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आपके पास में या तो उनके टाइम टेकन का रेशियो हो, जैसे आपको ये कह दिया ए ट्रैक को कवर करने में 20 सेकेंड लेता है और बी लेता है 25 सेकेंड, तो हम क्या करते हैं कि जो भी उनके टाइम टेकन का रेशो है इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे, तो रेशो बन जाएगा 4:5। 5 से आपने डिवाइड कर दिया तो रेशो क्या बन गया, 4:5। अगर उनके चलने की डायरेक्शन सेम है
तो आप दोनों का डिफरेंस कर देंगे, डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब वो ट्रैक पर एक ही जगह पर मीट करेंगे, बार बार उसी जगह पर मीट करेंगे, और वहीं अगर उनके चलने की डायरेक्शन अपोजिट है तो जो ये रेशो आएगा उनको ऐड कर लेंगे 9। तो हम ये कहेंगे कि ट्रैक के ऊपर 9 डिफरेंट पॉइंट ऐसे हैं जहां पर वो दोनों मीट करेंगे, दैट बिकम्स अवर आंसर। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। मोर वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल दिनेश मिगलानी ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप पेन ड्राइव परचेज करना चाहते हैं कैट, SSC, बैंकिंग, क्लैट, IPM एग्जामिनेशन के लिए, तो इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों में हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके लिए आप हमारे नंबर 9215514355 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें कॉल करके प्राइस से रिलेटेड डिटेल्स आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।